हेलो दोस्तों, आज 18 जुलाई है। हम आज के टॉप 10 वन लाइनर करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये यूजफुल होंगे एसएससी, सीएचएसएल एग्जाम, सीजीएल एग्जाम, डीएसएसबी एग्जाम, एचएससी एग्जाम और बाकी सब बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया रैंक थर्ड इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। और जो चाइना की पोजीशन है वो फर्स्ट आई है, यूएस की जो है सेकंड आई है। ये जो इंडेक्स होता है कि यूएस की यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी है क्यूशमैन एंड वेकफील्ड ये रिलीज करती है। आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया की जो पोजीशन आई है वो थर्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोज क्रिस्टियाना ओसुका गपोंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन पीएम ऑफ गैबन। गैबन एक अफ्रीकन कंट्री है, आप मैप में देख सकते हो। ये जस्ट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एडजेसेंट है। इसकी जो कैपिटल है लिब्रेविले, और जो इसकी करेंसी है वो है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांस। आप पिक में इसको देख सकते हो, पिक्चर दी हुई है करेंसी की। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड है, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी अंडर एन इनिशिएटिव वेस्ट टू एनर्जी। और ये उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है ये इंडिया की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी है जो वेस्ट से एनर्जी बनाएगी और 5 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इससे। उत्तराखंड के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जो उत्तराखंड के गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्या। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस जो है वो टिफ 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। टिफ होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टिफ जो टोरंटो है वो कनाडा की एक सिटी है और लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा है। फिफ्थ पे चलते हैं। जो 18 जुलाई होता है वो नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक हेड थे साउथ अफ्रीकन कंट्री के, और इन्होंने रेसिज्म के खिलाफ काफी इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स किए थे। तो 18 जुलाई से मनाया जाता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो है आजाद पत्तन हाइडल पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसमें 90 मीटर्स का हाई डैम बनाया जाएगा जो पीओके का एरिया उसमें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है वो है रोशनी नदान मल्होत्रा। ये एचसीएल की हेड बनाई गई है। ये शिव नदार जो इनके फादर हैं उनकी ये डॉटर हैं। ये इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है और जो इनकी नेटवर्थ है वो लगभग है 31,400 करोड़ रुपए अकॉर्डिंग टू 2019 डाटा। एचसीएल कंपनी की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। एट जो हमारा है वो देख लेते हैं करंट अफेयर। आईआईटी मद्रास जो है उसने एक मेडिकैप लॉन्च की है। मेडिकैप क्या होता है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। इसमें 4 जोन बनाए गए हैं। एक डॉक्टर का रूम है, एक आइसोलेशन रूम है, एक मेडिकल रूम है एंड 2 ट्विन बेड आईसीयू उसमें फिट किए गए हैं। ये कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये स्पेशली कोविड-19 के लिए बनाया गया है। नाइन्थ देख लेते हैं। एचआरडी मिनिस्टर जो हमारे हैं रमेश पोखरियाल हैं, उन्होंने फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो कहां पे किया है, आंध्र प्रदेश में। निष्ठा प्रोग्राम क्या होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। ये स्कूल हेड्स एंड टीचर्स की परफॉर्मेंस और उनकी एडवांसमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो 17 जुलाई है वो इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आज हमने डिस्कस किया आज के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।